जो कि कक्षा 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम से जुड़ी हुई है। दमोह जिले में खुशी की लहर देखी जा रही है। संपूर्ण प्रदेश में दमोह जिले ने अपना स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश के दो जिले अलीराजपुर और दमोह ने स्थान बनाया है। दोनों ही 10वीं और 12वीं में अलग अलग प्रथम स्थान पर रहे हैं। वहीं दमोह जिले के होनहार छात्र छात्राओं के द्वारा टॉप 10 सूची में जगह पाई गई है। दमोह के नवजागृति स्कूल के 3 स्टूडेंट ने टॉप 10 में जगह बनाई है। वहीं दमोह एक्सलेंस के 1 छात्र ने जगह बनाई है। तो वहीं मुड़िया के 1 छात्र के द्वारा भी टॉप 10 सूची में नाम दर्ज कराया गया है। कक्षा 10वीं की बात की जाए तो आलोक अहरवाल जो कि एक्सलेंस स्कूल दमोह के छात्र हैं, उनके द्वारा टॉप 10 सूची में नाम दर्ज कराया गया। वहीं मुड़िया हटा से रविराज विश्वकर्मा भी टॉप 10 सूची में शामिल रहे। दमोह जिले का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय का एक छात्र आलोक अहरवाल मेरिट सूची में है 10th कक्षा में और 9वीं पोजिशन में है। और इसी प्रकार से एक छात्र जो है नवीन हटाका भी है, वो भी 9वें स्थान पर आया हुआ है। 12th में भी अपने जिले से 4 लोग मेरिट स्थान में आए हैं, जिनमें 3 नवजागृति की छात्राएं हैं और 1 जो है मुड़िया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी है। और हम सभी लोग प्रसन्नचित्त हैं, इनके सुख इनके भविष्य की उज्ज्वल कामना करते हैं। ये ऐसे ही उन्नति करते रहें और दमोह जिले का नाम रोशन करते रहें। दमोह जिले का परीक्षा परिणाम हमेशा ही अच्छा रहा है और इस बार भी बहुत अच्छा रहा है। इस बार अपने स्कूल से 12th का कोई भी छात्र ने या छात्रा ने स्थान नहीं बना था, उसमें कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ तो इसमें कुछ मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ हम लोग की कमी रही होगी, या कोरोना काल में बच्चे पूर्णतः संस्था में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, इस कारण से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ होगा। इसमें हम अपनी भी कमी मानते हैं कि ज़्यादा ध्यान ना दे पाए हों। आगे क्या करेंगे बेहतर हो सके? अब आगे तो अब संस्थाएं चालू हो गई हैं और पूरी क्षमता से संस्थाएं चालू होंगी, तो ऐसा नहीं होगा कि इस बार जो हुआ है 12th में कोई बच्चा एक्सीलेंस स्कूल से मेरिट में नहीं आया है, ऐसा नहीं होगा। उन्हें भी कोई ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है, ना उन्हें कोई गम करना चाहिए। आगे भविष्य में कुछ और करें, 10th है अभी, 12th है, भविष्य आगे बनाना है तो मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करके अपना नाम और अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं में आयुषी शुक्ला नवजागृति शाला, रिद्धि श्रीवास्तव नवजागृति शाला, नेहा उपाध्याय नवजागृति शाला एवं जतिन तिवारी हटा से शामिल हैं। दमोह के नवजागृति स्कूल में काफ़ी खुशी देखी गई। मैनेजमेंट एवं स्कूल प्रबंधन लगातार खुशी मनाते नजर आए कि उनकी स्टूडेंट के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में नवजागृति शाला का नाम रोशन किया गया है। पूर्व में भी शाला से कई छात्र छात्रा प्रदेश की टॉप 10 सूची में शामिल रहे हैं। में आया आपका नाम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किस किस की मेहनत रही? पेरेंट्स की थी, पीछे सपोर्ट था, टीचर्स का था, स्पेशली मेरा तो था साथ में, और दादाजी भी मेरे जो अभी एक्सपायर हुए हैं उनका बहुत ही ब्लेसिंग्स रही मेरे साथ। आगे क्या करना चाहिए? आगे मैं IAS ऑफिसर बनना चाहूँगी। किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई की तैयारी की थी? प्लानिंग जो है वो बहुत मस्त है पढ़ाई में, जैसे कि कहा जाता है, तो मेरा सुबह का जो टाइम होता था वो मैथ्स क्लास में चला जाता था, 1 घंटे मैथ्स क्लास में, और शाम को भी मेरा 1 घंटे मैथ्स क्लास हुआ करती थी। शाम को दोनों टाइम मेरा जो था वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए चला जाता था, तो जितना टाइम बचता था उसमें मैं अपनी स्टडीज़ करती थी और 1 घंटे करीबन मैं अपने लिए रेस्ट हमेशा रखती थी। मैं साइंस में इतना आगे जाना उसके लिए सपोर्ट, मेरे फादर जो है मैथ्स टीचर हैं, वही मुझे हमेशा गाइड करते रहे हैं। 10th में भी और 11th 12th उनसे ही मैंने क्लासेस ली, और 11th 12th में फिजिक्स जो थी वो अली सर, केमिस्ट्री के लिए अली सर, फिजिक्स के लिए AC सर और कमलेश सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। 10th में भी आप टॉप 10 सूची में रही हैं जी, रोशन किया है दमोह का। दमोह के टॉप 10 में भी लगातार छात्र छात्राएं जगह बनाए, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि पिछले 2 वर्ष आप सबको मालूम है कि बहुत ही विकट रहे कोरोना काल में, लॉकडाउन में, बच्चों के लिए भी बहुत कठिन रहा कि वो
घर में रहकर ऑनलाइन स्टडी कर सके, लेकिन जैसे ही कक्षाएं शुरू हुई और इवन ऑनलाइन कक्षाओं में हमारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की और हम सबों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि न सिर्फ पूरे राज्य की मेरिट लिस्ट में 10 में से 3 बच्चे हमारी शाला के हैं, लेकिन साथ ही साथ जो एक दूसरी लिस्ट निकलती है हमारे जिले की, उसमें फर्स्ट और सेकेंड आने वाले बच्चे भी हमारे नवजागृति शाला के ही हैं। तो नवजागृति शाला ने पुनः इतिहास के पन्नों में अपना एक नया पन्ना लिखा है और हम इसके लिए प्राचार्य को और सभी शिक्षकों को और उन छात्रों को जिन्होंने बहुत मेहनत की और उन पालकों को जिन्होंने उन बच्चों को मेहनत कराने में मदद की, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी हमारे बच्चों ने इतनी मेहनत की, हमारे स्टाफ ने, हमारे मैनेजमेंट ने हमें बहुत सहयोग दिया, इसके लिए हम अपने मैनेजमेंट को सबसे पहले धन्यवाद दे रहे हैं, अपने टीचर्स को भी धन्यवाद देते हैं उनकी मेहनत के लिए, और अपने सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनके गार्जियन को भी बहुत बधाई देते हैं। कितनी उम्मीद थी आपको, कितने बच्चे? उम्मीद पूरी थी सर, 100% उम्मीद थी, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे थे और टीचर्स ने भी इस समय बहुत मेहनत की थी बच्चों के साथ, इसलिए मैं उम्मीद तो बहुत थी। कोरोना काल में कोविड काल चल रहा था, इतनी मौसम परिस्थितियाँ थी, बच्चों को कैसे ट्रीटमेंट दिया कि वो इस कंडीशन में रह सके? सर हम लोग ने स्कूल बकायदा पूरा हमारा पहले ऑनलाइन चलता था, तो ऑनलाइन में भी हम लोग ने पूरे लाइव क्लास चलाई जिसमें बच्चों की जो जो समस्याएं थी उन समस्याओं का हल किया। उसके बाद जब हमको गाइडलाइन मिली कि हम ऑफलाइन क्लास लगा सकते हैं, तो हमने ऑफलाइन क्लास लगाई। इसके अलावा हमने निदानात्मक क्लास भी लगाई अपने इन बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग 1 घंटे पहले बच्चों को बुलाते थे, हमारे टीचर्स आते थे और इनकी समस्याओं का हल करते थे। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार, संजय सरवरिया समाचार।